नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में आप सभी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी शेयर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोग परेशान रहते हैं कि जो भी जितने भी पार्ट वन का एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं और पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कृपया इस नोटिस को आप ध्यानपूर्वक देखें। अगर ये नोटिस आपको अच्छा लगे तो दबा के वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और ज़्यादातर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप से चलाते हैं तो आपको जो है उसको शेयर कर देना होगा इस वीडियो को अधिक से अधिक। तो चलिए, इसमें क्या है सारी जानकारी आपको करीब 3 नोटिस के माध्यम से आप सभी के सामने यहाँ पे अवगत कराएंगे, जो कि एक पीडीएफ के रूप में हम आप सभी के सामने शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को दबा के लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक खबर और है कि यहाँ पे जितने भी कॉलेज हैं वो टोटल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। कितने तारीख से, कब से, कैसे, सारा जानकारी इस वीडियो में आप सभी के सामने शेयर करने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि इतना सारा अच्छी जानकारी आप सभी के सामने शेयर करने पर भी अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं बने तो कैसा मेहनत, यही है दोस्तों। अगर आप भी मेहनत करते हैं, अगर आपका सही तरीके से उसका रिजल्ट नहीं मिले तो आप मेहनत को लगेगा कि आपका मेहनत जो है बेकार चला गया। तो इस प्रकार से आप भी, हम चाहते हैं आपको अगर इस प्रकार की जानकारी शेयर कर दें तो हम चाहते हैं कि वीडियो को दबाकर अधिक से अधिक लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। चलिए आप नोटिस की ओर चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप नोटिस को रीड करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइव ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से, यहाँ पे कर्मचारी सेवा की तरफ से यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। अब डेट की बात करें तो 16/4/2021 यानी कि आज ही जारी हुआ कुछ ही घंटों पहले। और यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है, पत्र का संख्या 43/21 है इस प्रकार से। और यहाँ पे सेवा में कुलपति महोदय ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा, इस प्रकार से आपको देखने को। विषय देखिए पहले, विषय क्या है, कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्वविद्यालय कार्यालय को बंद करने के संबंध में, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। देखिए इसको, उपयुक्त विषय के संदर्भ अनुरोध पूर्वक सूचित करना है कि वर्तमान में कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर है। विश्वविद्यालय कार्यालय के कतिपय कर्मचारी भी कोरोना से संगत हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य करने में कर्मचारियों को भय का एहसास होता है तथा कार्य का निष्पादन भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो जानकारी के अनुसार परीक्षा विभाग डाटा सेंटर राज लाइब्रेरी में कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए, इस प्रकार से। यानी कि डाटा सेंटर भी इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो है मोहर साइन यहाँ पे, मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया। चलिए इसको भी सही तरीके से, दूसरा नंबर लेटर है इसको भी हम सही तरीके से रीड कर लेते हैं। इसमें क्या, ये फर्स्ट लेटर था दोस्तों, आपके सामने देख सकते हैं लाइव, और यहाँ पे सेकेंड लेटर आपके सामने शेयर कर देते हैं। अतः समस्त कर्मचारियों की तरफ से अनुरोध है कि वर्तमान में कार्यालय को बंद करने हेतु अपना कृपापूर्ण आदेश निर्गत कर कर्मचारियों एवं उनके परिवार की जीवन रक्षा की जाए। लेखा शाखा में कार्यरत श्री विश्वंबर कुमार, जो कि कोरोना संक्रमित हुए हैं, की कोरोना जांच रिपोर्ट की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है, इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नोटिस नंबर 2 आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी राजेश कुमार श्रीवास्तव यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे तरीके से, उपाध्यक्ष 1 है, उपाध्यक्ष 2 है, इसी तरह से जितना भी उपाध्यक्ष है आप देख सकते हैं लाइव। और यहाँ पे देखिए श्री शंकर प्रसाद सिंह अध्यक्ष, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पर भी श्री साकेत कुमार मिश्र सचिव, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। और दोनों का देखिए यहाँ पे अध्यक्ष का शंकर प्रसाद सिंह का सिग्नेचर एंड डेट, और यहाँ पर भी सचिव का भी सिग्नेचर और डेट यहाँ पे देख सकते हैं लाइव। चलिए अब नोटिस नंबर यहाँ पे जो है 3 देखते हैं। यहाँ पे रत्न यूनिवर्सिटी की तरफ से आप देख सकते हैं, विश्वविद्यालय मुख्यालय में कोविड संक्रमण के विस्तार एवं कर्मी को कोरोना हो जाने के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा मुख्यालय के सभी कार्यालय दिनांक 17/4/2021 से 24/7/2021 के बीच पूर्व घोषित अवकाशों के अतिरिक्त कार्य दिवस दिनांक 17, 19, 22 एवं 24 अप्रैल 2021 को अत्यावश्यक कार्य को छोड़कर पूर्ण रूपेण बंद रहेंगे। यानी कि जो इसमें कार्य होने को है, डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करने को बहुत सारे दोस्त लोग जाते हैं, तो ये सारा काम जो है पूरी तरीके से बंद रहेगा। उसके 24 के बाद ही अब जो है कॉलेज खुलने की चांसेस है, यानी कि नोटिस
अगले आदेश तक आपको वेट करना है। इस प्रकार से यहाँ पे नोटिस के माध्यम से जानकारी शेयर किया है और यहाँ पे देख सकते हैं माननीय कुलपति महोदय के आदेश से जो है यहाँ पे देख सकते हैं डेट की बात करें तो यहाँ पर विज्ञापन की संख्या की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइव और इसको कहाँ कहाँ यहाँ पे दिया है देख सकते हैं। तो सारा जानकारी यही है और यहाँ पे देख सकते हैं कुलपति का जो है साइन देख सकते हैं, सिग्नेचर भी देख सकते हैं। तो यही था आज का करीब 3 नोटिस जो कि आपके सामने यहाँ पे शेयर कर चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे तरीके से इसमें कहा जा रहा है साफ साफ कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिखा दे रहे हैं इसमें क्या कहा जा रहा है साफ साफ। यहाँ पे 17 तारीख और 19 तारीख फिर 22 तारीख एवं 24 अप्रैल 2020 को अति आवश्यक कार्य को छोड़कर यानी कि जो भी डेट दिया है उसमें अति आवश्यक कार्य छोड़कर यानी जो कार्य होने को है उसको छोड़कर आपको सीधे तरीके से कॉलेज जो भी हैं वो बंद रहेंगे, 100% बंद रहेंगे। इसमें कहीं भी कोई तरह की दिक्कत या परेशानी नहीं है, ये नोटिस के माध्यम से कह रहा है तो हम चाहते हैं कि ये नोटिस आप सही तरीके से रीड कर लें। अब बात करें कि ये नोटिस आपको खुद से आप अपने फ़ोन में यहाँ पे रीड करना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो कि हम आपको दिखा दे रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस टेलीग्राम का लिंक दे दी है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारे दोस्त लोग यूजी एनपीजी के दोस्त लोग जो हैं वो उस ग्रुप में जुटे हैं और इस नोटिस का लाभ उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी लाभ उठाएं, बड़े ही आसान तरीके से वीडियो के माध्यम से अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं उस टेलीग्राम का, वहाँ पे जुट के आप जो है बड़े ही आसान तरीके से जो भी अपडेट फटाफट आते जाएगा फटाफट आप जो है उसको रीड करते जाइएगा। तो यही जानकारी था आज का इस वीडियो में और एक जानकारी दे दें दोस्तों कि जब आ ही गए हैं इस वीडियो पर तो मेरे एक वेबसाइट है जो कि कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी कोई अपडेट आता है एडमिशन या यूजी से मिथिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या बिहार बोर्ड से रिलेटेड तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड साथ ही बिहार बोर्ड से रिलेटेड एडमिशन एग्ज़ाम ऑनलाइन आवेदन फिर यहाँ पे बिहार डीएलएड बीएड मतलब कि जो भी है जॉब से भी रिलेटेड यहाँ पे जानकारी शेयर किया जाता है इस वेबसाइट पे। तो इस वेबसाइट का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो यही जानकारी था, इस वेबसाइट पे जरूर विजिट करते रहिएगा। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जो दिए हैं उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। बड़े ही आसान तरीके से उस पर अच्छे अच्छे जानकारी मिल सकता है। आप लोग बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इससे आने वाले समय में आपको एक बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छे तरह का ऑफर आप सभी के सामने लाएंगे। फिलहाल अभी तो सब्सक्राइब का वेटिंग हो रहा है यानी कि सब्सक्राइब का वेट कर रहे हैं कि आपको जो है किस प्रकार से यहाँ पे जो सब्सक्राइब पूरेगा उसके बाद ही आप सभी के सामने एक ऑफर बहुत बड़ा ऑफर आप सभी के सामने शेयर करेंगे। फिलहाल यही अपडेट धीरे धीरे चल रहा है तो आप सब लोग सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल अभी का वीडियो यहाँ तक दोस्तों, फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो चलेगा तो दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।